ये विक्टिम्स को मालूम है वहाँ पे क्या किए। जितने लोग आए इन्हों पूरे बोले आग हमें नहीं लगाए, गाड़ी हमें नहीं जलाए, हमारे को मालूम ही नहीं, हमारे को जो जगह थी गाड़ियों में बिठा के चले गए पुलिस वाले, हमारे को किसी के पास सिग्नेचर नहीं लिए, हमारे बीवी बच्चों को मालूम नहीं, ये हादिसा क्या है वो खुद मालूम नहीं। बाकी लोमायन की तरफ से दावतनामा था, वो दावतनामे में कई लोग आए, कई बुजुर्ग, कई विक्टिम्स डीजे हल्ली के भी आए, इसमें केजीएलडी डीजे हल्ली के, इसमें 40 आदमी जो अंदर रहे एनआईए में, उनको बेल में निकालना, केस चलाना, केस का ट्रायल आगे बढ़ाना, हनरेबल हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उनका रिलीफ लेना, उनको छुटकारी देना, इसके ऊपर ही बात हुई है। और इसके ऊपर कानूनी तौर से कैसे बेल पिटीशन पेश किया जाएगा, ट्रायल के पहले किया जाएगा, चार्जशीट को देख के बेल मिलना चाहिए, क्योंकि चार्जशीट में ऑफेंस नहीं है ये लोगों का, जैसा चार्जशीट में पढ़ा हूँ, बस इसके ऊपर ही बात हुई। अब इसके ऊपर जो लीगल कानूनी तरीके से कोर्ट में जाने के, कौन से लायर हैं, कैसे हैं करके, हमें पूरे मिलके लोग मिलके बात करके इनके लोगों को रिहाई करने की दुआ की है। आज ये दुआ के तहत लोग जमेंगे करेंगे। और दूसरी बात जो है, जो वकाला पीछे के सीटों में है, बेल नहीं मिलेगी, ट्रायल नहीं चलेगा, यूएपीए का ऐसा ही है, तो इनके लिए मेरी गुजारिश थी, मैं उनको अपील भी किया, ऐसा नहीं है जैसा बोला जाता है। कौन सा भी कानून में ये प्रमे फेसिए केस हुआ है क्या? प्रमे फेसिए होने से ही यूएपीए लागू होता है। इसके ऊपर कोर्टों के सामने हम बोलेंगे, ये विक्टिम्स बोलेंगे, जो जेलों में है ना उन्हों बोलेंगे, उनके ज़बान से दूसरे बोलेंगे। अभी एडवोकेट फला फला ये लोग ये नहीं बोल रहे हैं, विक्टिम्स बोलना है, हमारे को कहाँ अरेस्ट किए, हमारा क्या, हमारे ऊपर कौन कंप्लेंट दिए, हमारा ऑफेंस क्या बना, ये ऑफेंस जो चार्जशीट में है क्या नहीं सही है, उनको ही मालूम है। वकीलों को कुछ मालूम नहीं है, वकीला वो देख के करते हैं, वकाला में जाते हैं वकाला, जजेस को भी कुछ पता नहीं है। दी रेस्पेक्टेड जजेस जो मुजरिम बोला है, विक्टिम्स के नाम से डाले हैं, उसका जो बयान है, उनके जो एफिडेविट है, उसके ऊपर ही करते हैं। ये सही क्या हुआ है, सही चीज़ जानने के लिए आज लोग जमे, सही सच्चाई उन पूरा जमा के कोर्टों के सामने जाके विनती करेंगे, उसमें कई वकाला सीख लेंगे क्या उनके ऊपर गुजरा है अभी वकाला और हमें और पूरा। जब तक ये नहीं बोलेंगे इनका बयान में क्या हुआ है, इन्हें गुना ऑफेंस सेक्शन NIA IPC ये सब इनको ही मालूम है। जो सच्चाई के ऊपर लगेगा कोर्ट में, जजेस को लगेगा ये UAPA है क्या, IPC है क्या, वो कुछ भी नहीं है, उससे कम है, IPC से कम है, तब भी पता, उसके डिसीजन मेकर्स होते हैं रेस्पेक्टेड जज, हनरेबल जजेस, इसके फायदेदार होते हैं विक्टिम्स, जो विक्टिम को मालूम है क्या हुआ उन्हें बोलना है, इनको किस कैसे जबान में बोलना है। अभी कन्नड़ा मालूम नहीं तो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, उर्दू में लिखेंगे तो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, जो ट्रांसलेट किया जाता है ये सिर्फ ये लोगों को ही मालूम है, ये विक्टिम्स को मालूम है वहाँ पे क्या किए। जितने लोग आए इन्हों पूरे बोले आग हमें नहीं लगाए, गाड़ी हमें नहीं जलाए, हमारे को मालूम ही नहीं, हमारे को जो जगह थी गाड़ियों में बिठा के चले गए पुलिस वाले, हमारे को किसी के पास सिग्नेचर नहीं लिए, हमारे बीवी बच्चों को मालूम नहीं, ये हादिसा क्या है वो खुद मालूम नहीं, हमें सिर्फ आग दूर से देखे, ये तमाम बयान कोर्टों के सामने जजों के सामने बोला जाएगा, यही लोग बोलेंगे, तर्जुमा करने वाले लोग रहेंगे एडवोकेट्स इसमें कानून के, UAPA इससे बड़े भी कानून लागू कर देंगे कोर्ट में, हो सकता है UAPA के अलावा और भी बड़े भी डाल के इनको जिंदगी भर फांसी की सजा भी दे सकते हैं। UAPA छोटा कानून है, उन्होंने गलती किए रहे तो, गलती किए हैं क्या नहीं है ये इनके बयान से मालूम होगा, ये बयान देंगे कोर्टों में इन्हों, इसका तर्जुमा करेंगे वकील लोग या इन्हों खुद भी कर सकते हैं। मेरी मांग ये भी है, वकील आगे कोर्ट को जब बगैर गए वकाला का बगैर, ये लोग भी कोर्ट में बोल सकते हैं, उसका जो ट्रांसलेट करने का काम लिख के उर्दू से इंग्लिश में कन्नड़ा में वो काम मैं करने की जिम्मेदारी लिया हूँ। आज इनको ट्रांसलेट करके कोर्टों में हमें डालेंगे, इनके ऊपर क्या हुआ चाहे वकाला करें, मगर मेरी उम्मीद है, मेरी मांग है वकाला भी करें, फ्री करिए, फ्री इसमें काम करें, बगैर पैसे के काम करें, वकाला भी करें, तो मेरी मांग है, फिर भी उनका काम है। और क्योंकि कई इसमें हिंदू वकाला भी बोले हैं हमें फ्री करेंगे, ये लोग इनोसेंट्स हैं,
इन्होंने अपने बच्चों बीवियों को छोड़ के है। क्या हुआ है हादिसा, हमें चार्जशीट पड़ा है, चार्जशीट ही मेन पूरा पुरान है, वो चार्जशीट हमें पड़े हैं, ये चार्जशीट के तहत हम फ्री काम करेंगे करके हिंदू वकाला, हिंदू मुस्लिम जो है, ये मुसलमानों के ऊपर जो राम खाते हुए बोले हैं उन्होंने भी हैं, वो भी उनके वकाला के सामने रखेंगे। ये लोग क्या भी जो भी रखते हैं, ये लोगों का बयान रखेंगे, ये लोग जो बयान देंगे जो जेलों में हैं इन्हों देंगे बयान इनके ऊपर क्या हुआ। वही चाहे हिंदू लायर हो मुसलमान लायर हो, मेरी मांग है दूसरों से, हिंदू से भी मुसलमान से भी, जो भी ये हादिसे में आएंगे, ये लोग पैसे वाले नहीं हैं, ये लोग टेररिस्ट नहीं है, इनसे पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा भीख लेके इनको देने का नहीं है, फ्री काम करेंगे। कानून जो है इनके ऊपर जो हादिसा गुजरा है वही कानून है, इसमें चाहे तो दो नए यूएपी और भी बनाने दो सरकार से, कानून वही बनेगा। तो उसमें यूएपी है, आईपीसी, कोई सा भी 420 कोई चीज़ लागू नहीं है। ये चीज़ के बयान कोर्टों के सामने पेश किया जाएगा, चार्जशीट ट्रायल के पहले, उनका ट्रायल के पहले इनके बेल के लिए हमें पूछना चाहिए। बेल दो चार आदमी का हो गया, रिजेक्ट सुप्रीम कोर्ट से भी हो गया, जिसका नहीं हुआ है उनके लिए हमें पूछ सकते हैं, ये नहीं उसमें हो गया, हर हादिसा अलग अलग है, तो इसका भी हो गया, दूसरे का जो नहीं हुआ उसका भी लागू होगा, क्योंकि एपिसोड एक ही है पूरा, एपी 500-700 आदमी का एपिसोड, इसमें ये बिस्लेरी वाटर या गंदा वाटर मिला नहीं सकते हैं, दोनों एक ही है। बस ये लोगों का तर्जुमा करने की जिम्मेदारी मैं लिया हूँ, तर्जुमा करके कोर्टों के सामने ये अपने रिक्वेशन करेंगे, इन मुजरिम जो है कोर्टों के सामने अपने खुद बोलेंगे तो अच्छा है, ये हमें तर्जुमा करके देंगे। अस्सलाम वालेकुम। आउटपुट क्या, ये लोगों से बात किया गया अभी, ये लोगों से जितने भी आए थे जो डीजे हल्ली के विक्टिम्स के बहन माँ बाप, उनसे बात किए गए, उन्होंने भी उनके साथ मिलके जो हादिसे का पूरा अंदाज लेके पूरा जा ये लेके उन्होंने लाएंगे, उसके बाद एक डिसीजन लिया जाएगा, इसमें कमिटी बनना है क्या है ये तमाम चीज़ों, क्योंकि चाहे अमीर शरिया हो नहीं तो चाहे 1000-5000 मस्जिद हो, कोई आदमी तावन करने की ज़रूरी नहीं, मेरा इतना तो ये है, तावन अपने आप होगा, जो काम इसमें जमेगा वो अपने आप फ्री काम करेगा, कोई खर्च नहीं लगेगा इसमें। और ये लोगों को देना है पैसा, जो बाहर के जो आदमी 400 आदमी है उसके लिए कौम के जो लोग हैं उन्होंने डिसीजन लेंगे, वो जो देना है देंगे, और मेरा मतलब सिर्फ कानून ही है, कानून में इनको क्या मिलना है ये लोग खुद जाके कोर्ट में बोलेंगे, चाहे वो 400 आदमी भी हो ये 40 आदमी भी हो, सबको एक ही होगा। यहाँ तक हुबली के हैं 170, इनके लिए भी ऐसा ही तर्जुमा होगा। ये दूसरी बात जो भी है डिसीजन की बात, कमेटी की बात, इसे मुझे मालूम, अभी तक कुछ मालूम नहीं है, इसके बाद पूरा जुड़ के ये मुजरिमों के लोगों से बात करके उन्हें क्या बोलते हैं उसके ऊपर ये कमेटी ये लोग बनाएंगे।